दोस्तों नमस्कार। आज एक नए फ्रेश वीडियो के साथ करप्शन पर मोदी सरकार का एक बड़ा वार। सीबीआईसी ने 22 अफसरों को जबरन किया रिटायर। तो इसी से रिलेटेड है, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी चैनल में नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो घंटे का निशान होगा उसको दबा दें, जिससे कि टाइम टू टाइम आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमेशा न्यूज से अपडेट रहें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस न्यूज़ के डिटेल्स में चलते हैं। केंद्र कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सरकारी विभागों की सफाई यानी नकारा अफसरों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी ने टैक्स विभाग यानी टैक्स डिपार्टमेंट के 22 सीनियर अफसरों को जबरन रिटायर कर दिया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सरकारी विभागों की सफाई यानी नकारा अफसरों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने सोमवार को एक बार फिर 22 सीनियर अफसर को जबरन रिटायर करने का फैसला किया। ये सभी अफसर टैक्स डिपार्टमेंट के हैं। इससे पहले भी टैक्स विभाग के ही 12 वरिष्ठ अफसरों को जबरन रिटायर कर दिया गया था। बता दें कि इससे पहले जून महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही सख्त फैसला लेते हुए कई बड़े अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया था। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के नियम 56 के तहत वित्त मंत्रालय के इन अफसरों को सरकार समय से पहले रिटायरमेंट दे रही है। जून महीने में नियम 56 के तहत रिटायर किए गए सभी अधिकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर जैसे पदों पर तैनात थे। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कई अफसर पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार, अवैध और बेहिसाब संपत्ति जैसे गंभीर आरोप थे। इसके बारे में एनी में भी एक रिपोर्ट छपी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सरकार क्यों उठा रही है ऐसे कदम, इसके बारे में दोस्तों डिटेल्स में लिखा है कि आपको बता दें कि नियम 56A 56(1) के तहत केंद्र सरकार नकारा सरकारी अधिकारियों को घर भेजना चाहती है। 50 साल से अधिक के अधिकारियों को घर भेजकर युवाओं को सिस्टम में शामिल करने से ब्यूरोक्रेसी की क्षमता बेहतर बनाई जा सकेगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग, आयुक्त और अन्य निगरानी समिति की मदद से भ्रष्ट कर्मचारियों पर नज़र रखी जाएगी। इस नियम के तहत किया गया जबरन रिटायर, तो ये नियम कौन सा है? सेंट्रल सिविल सर्विसेज 1972 के नियम 56(1) के हिसाब से 30 साल तक सेवा पूरी कर चुके या 50 साल की उम्र पर पहुंच चुके अधिकारियों को सेवा समाप्त सरकार कर सकती है। उन्हें नोटिस और 3 महीने की वेतन भत्ते देकर घर भेजा जा सकता है। ऐसे अधिकारियों के काम की हर तीसरे महीने समीक्षा की जाती है। अगर उन पर भ्रष्टाचार या अक्षमता या अनियमितता के आरोप पाए जाते हैं तो उन्हें जबरन रिटायरमेंट दिया जा सकता है। उसके अलावा डिटेल्स में यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि सरकार के पास यहाँ विकल्प दशकों से मौजूद है, लेकिन अब तक गंभीरता से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। इस सरकार में भी साल 2014, 15 और 17 में इस नियम पर गंभीरता से अमल के लिए आदेश दिए गए हैं। इस टर्म में सरकार अब कमर कस के इसे लागू करने के प्रयास में जुटी है। इस नियम में अब तक ग्रुप ए और बी के अधिकारी ही शामिल थे, अब ग्रुप सी के अधिकारी भी इसमें आ गए हैं। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय संस्थाओं में इस बारे में मासिक रिपोर्ट मंगाना शुरू कर दिया है। सरकार के जरिए ऐसे अधिकारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जा सकता है। ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद नॉन फार्मिंग सरकारी सेवक को रिटायर करना होता है। तो दोस्तों ये न्यूज़ जो भी सरकारी कर्मचारी है उनसे रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सबके लिए। अलार्म की घंटी है ये कि जो भी करप्शन में लिप्त हैं और सरकार उनको घर भेज सकती है और भेज रही है। तो दोस्तों आज की न्यूज़ में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी वैल्यूएबल न्यूज़ लगी होगी। इसी तरह के नए और फ्रेश न्यूज़ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी चैनल में नए हैं और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, जिससे कि दूसरों को भी इस न्यूज़ के बारे में पता हो लगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।